जिंदगी की किसी भी पायदान पर हम हमेशा किसी ना किसी से प्रेरित होते रहते हैं। कोई ना कोई हमें कुछ सिखाता है, कुछ बताता है, कोई उंगली पकड़कर और कोई अपने ख्यालों से, अपनी बातों से। तो मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा शो करना चाहिए और मैं हर कुछ साल बाद अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगा कि कुछ मुझे ऐसा शो करना चाहिए जो मेरे अपने प्लेटफॉर्म पे, और मैं उन लोगों से बातचीत करूं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है, जो मुझे हमेशा हमेशा थोड़ा सा कचोटते हैं और कहते हैं कि तुम सेटल मत हो जाओ, अभी बहुत कुछ करना है। और आज वैसे ही एक गेस्ट मेरे दोस्त भी हैं और जिनसे मैं बहुत प्रेरित रहता हूं, वो मेरे सामने बैठे हैं। इनफैक्ट उनको इधर बैठना चाहिए मगर आज वो उधर बैठे हैं। स्वागत है आप सबका और मेरे गेस्ट का। मंजिलें और भी हैं, मैं हूं अर्नब गोस्वामी के साथ। कितना अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। और देखिए, खासियत ये है कि आज आपने सेम कपड़े पहने, हालांकि हमने डिसाइड नहीं किया था। क्या कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इनका डेट ऑफ बर्थ भी 7 मार्च है और मेरा भी 7 मार्च है, सिर्फ कुछ साल इधर उधर हो गए। बिल्कुल। और कई चीजें भी हैं, जैसे आज जब हम फ्लाइट पे आ रहे थे जी, तो आप बैठे थे मेरे साथ और जब टर्बुलेंस हुई है ना, तो आप भी टेंशन में आ गया, मैं भी आ गया। जी जी। और फिर मैंने सोचा कि सिमिलैरिटीज कहाँ पे खत्म होती है, किसको क्या पता है। राइट राइट। मेरे को मुझे फ्लाइट में डर लगता है। मुझे भी। आई थिंक अगर आपको किसी चीज से डर लगता है सिर्फ इस दुनिया में, तो सिर्फ शायद आज मैंने देखा अर्नब गोस्वामी को थोड़ा डरते हुए फ्लाइट में। हम दोनों को। हाँ, हम दोनों को। वही ना, मैं हाँ। तो आपको हाथ पकड़ने लगा था फिर मैंने कहा कोई मतलब बिफोर द वेदर कोई दबंग नहीं हो सकता है। तो बहुत सालों से जानता हूँ मैं आपको, बहुत सालों से, मतलब जितने सालों से शायद आपने पत्रकारिता शुरू की, 2008 से जी। टेलीविजन की पत्रकारिता तो मैंने 1996 से शुरू की NDTV के साथ, मगर टाइम्स नाउ शुरू की थी 2006 में। अच्छा। और रिपब्लिक 2016-17 में। बहुत सारे लोग आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि आई थिंक नॉट दैट यू आर ए प्राइवेट पर्सन, यू नो यू कांट बी प्राइवेट, बट वेयर वर यू बॉर्न? आई वाज बॉर्न इन गुवाहाटी। अच्छा। आई वाज बॉर्न इन गुवाहाटी। माय फादर एंड मदर बोथ, वी हैव आवर फैमिली इज फ्रॉम गुवाहाटी, हम आसाम के हैं। और मैं गुवाहाटी में, मेरी बर्थ हुई और फिर पिताजी आर्मी में थे, तो आई ग्रो अप ऑल ओवर द कंट्री। आई वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स, शिलोंग में था, जोधपुर में था, जबलपुर में था, दिल्ली में था, पूना में था, पूना में खड़की में था, तो इसका ही सारे कंटोनमेंट्स में, छोटे छोटे शहरों में। और आसाम में पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, मगर नर्सरी की एडुकेशन वहाँ पे हुई थी, बोरजार में, जो एक एयरपोर्ट है, एयरबेस है, इंडियन एयरफोर्स की बेस है वहाँ पे, तो ऑल ओवर इंडिया। What kind of a student were you? I was above average student. No, मतलब you were brilliant or? No. I was not. Because I never got more than 38%. मैं I was always very psyched. और एक तरह से अंडर कॉन्फिडेंट था मैं हमेशा, और मुझे लगता था कि मैं बड़ा ही एवरेज निकलूंगा हर चीज़ में, और अपने पे प्रेशर डालता था, मगर परफॉर्मेंस बहुत एवरेज हुआ करती थी क्लास 7 तक, और लगता था किसी चीज़ में अबव एवरेज नहीं हो पाऊंगा। तो एग्जाम में मार्क्स आते थे अनुपम जी, और जब मेरे को अबव एवरेज मिलता था ना, मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि तब ग्रेड्स मिलते थे, एवरेज, अबव एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वो तो वेरी गुड और एक्सेलेंट की बात ही नहीं होती थी, बस अबव एवरेज मिलती थी। आई यूज़ टू बी हैप्पी। सो डिफाइन अबव एवरेज फॉर मी, बिकॉज इन आर स्कूल, आई केम फ्रॉम शिमला, अबव एवरेज मींस 45% से ऊपर। आपका स्टैंडर्ड क्या? नहीं, हमारा अबव एवरेज था मतलब 65-70%। दैट वाज अबव एवरेज, 70%। उस समय 70% वाज नॉट बैड एक्चुअली। एंड यू वर More than 70. I was more than 70. So you can't say I was above average. नहीं, but सब चीजें, in everything is relative ना, हर एक चीज दूसरे चीज के comparison में होती है। Class 10 के number आए तो मुझे 80% मिला, और 80% मैं देखता रह गया, और I could not believe that I actually got 80% because I was sure that I'm around 75. ये एक जो कहते हैं ना, जो OCD, obsessive compulsive disorder तब भी थी, कि estimation के कितने number आएंगे। तो कम्पिटिटिव स्ट्रीक बहुत थी, मगर बहुत अच्छी तरह से एकेडमिकली कम्पीट नहीं कर पा रहा था। बाद में आई डिड बेटर, बट इन स्कूल आई वाज एन अबव एवरेज स्टूडेंट। एंड व्हाट काइंड ऑफ अ यंग बॉय चाइल्ड यू वर? व्हाट मीन, यू वर शाय, यू वर एक्सट्रोवर्ट, यू वर नॉटी, यू वर व्हाट काइंड ऑफ? आई थिंक आई वाज क्वाइट शाय, आई थिंक आई वाज वेरी क्वाइट। अच्छा। एंड हाँ, मैं
I used to read a lot of fiction. I used to like what? जो सब पढ़ते हैं अभी वो जैसे कि शर्लॉक होम्स पढ़िए मतलब इंग्लिश फिक्शन एंड आई यूज्ड टू लाइक टू बी लॉस्ट इन माय बुक्स एंड फिर क्लास 7 में पहली बार डिबेटिंग की डेलोक्यूशन की डेक्लेमेशन की तो पूरा नजरिया बदल गया बट टिल अबाउट क्लास 7 और सो आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय पर्सन इवन आफ्टर क्लास 7 बट आई थिंक यू नो दिस होल थिंग ऑफ डिबेटिंग एलोक्यूशन इट्स my life changed because of it. Your father was in the army. I met the gentleman, wonderful person. Your elder sister is in the defense forces. Yes, she's in Air Force. She's in Air Force. Your brother-in-law also is in the forces. What deviated you from not being in the army, though having the great respect for army, but shifting to journalism? एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज था अनुपम जी जैसे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे लगा कि क्या करूं कोई क्लैरिटी नहीं थी तो फिर क्लास 11 12 में बायोलॉजी ली तो सोचा कि मेडिकल में घुस जाऊंगा और सीबीएसई का एंट्रेंस एग्जाम लिया था उसमें पास भी हो गया था और मेडिकल कॉलेज में जाने वाला था फिर देन आई गॉट स्कैर्ड कि अभी मेडिसिन में 5 साल पढ़ने पड़ेंगे एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ द सर्जिकल वर्क में माई सिस्टर वॉज डूइंग मेडिसिन तो मेरी दीदी मुझे बोलती थी कि वी हम कैडेवर काटते हैं वी सी द कटिंग ऑफ डेड बॉडीज सो आई गॉट वेरी वरीड अबाउट इट एंड समहाउ मुझे लगा कि आई एम नॉट गोइंग टू बी अप टू बिकम अ सर्जन तो आई थॉट आई विल फेल माय मेडिकल तो आई पास द एग्जाम बट आई डिडंट जॉइन मेडिकल देन आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी टू डू अ जनरल सब्जेक्ट व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम माय सिस्टर्स नेम इज पल्लवी वर यू वेरी क्लोज बोथ ऑफ यू यस वेरी क्लोज एज एनी ब्रदर एंड सिस्टर कैन बी यस Not many brothers. No, I'm very close. We're brother, very close, but she went off to do her medicine. After class 10, I was on my own in Jabalpur. Pitaji was in Jabalpur. And then I went to Delhi in 1990. Your parents mein se strict kaun tha? Pitaji strict the. Pitaji strict the. And jaise, matlab bahut focus tha education par, padhai likhai par. Mere dono taraf se, the focus was on education. And my both sides of the family, they were lawyers, very well educated. My grandfather, maternal grandfather, jo hum koka kehte hain Assami mein, koka kehte hain. Mere koka Sahitya Academy Award, kai baar Assam Sahitya Sabha ke kai 6 ya 7 award, aur kai 15 kitabe unhe likhi hui thi. Wo jane mane intellectual the, leftist the, leader of opposition the Assam ke, kareeb 15 saal. Aur unki ek philosophy thi, Anupam ji. वो हमेशा कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हर दिन कहते थे अच्छा। हम जब भी जाते थे गुवाहाटी तो वो याद करे कि लाइफ में सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखो तो उसको वो एक्सपेंड करते थे वो कहते थे कि सिंपल लिविंग मींस योर लाइफस्टाइल शुड बी सिंपल बट योर एस्पिरेशंस एम्बिशंस योर थॉट्स मस्ट बी हाई तो वही फिलोसफी रही तो दैट वॉज माई इन्फ्लुएंस बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ वॉज माई मटर्नल ग्रैंड फादर गौरीशंकर भट्टाचार्य In terms of sportsperson, national leaders, who did you look up to at that time? Nobody. Okay. Nobody. I किसी को idolize तो नहीं करता था. मेरे grandfather को बहुत idolize करता था. उनकी तरह बनना. तो वो एक idol बन गए थे मेरे लिए. In terms of an intellectual idol. And I felt that there was a very someone I could follow, someone I should be like. So he meant a lot to me. There were no idols. No idols. Idols ke liye time hi nahi thi itni. But also I think grandfather the, koka the, to udhar se wo satisfaction hoti thi ki main inke jaisa ban jaun to. Bilkul. Hai na? Bilkul. Mere koka jo the wo bahut saal underground rahe. Acha. Before. इंडिपेंडेंस एंड ऑलमोस्ट आफ्टर ऑल्सो फॉर अ वाइल और बहुत सेक्रीफाइसेस की उनकी फैमिली ने और मेरे कोका जो थे वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड के थे उनके जो पिताजी थे जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और शायद वहाँ से मुझे थोड़ी जीन मिली है वो तर्कशास्त्री थे यानी कि संस्कृत में उनके कई उपाधि थे 7 या 10 उपाधि थे तर्कशास्त्र में एंड ही वॉज जो कहते हैं वो उसको तर्कशास्त्र मीन्स लॉजिक एंड डिबेट मतलब मुझे आप बार बार बोलते हैं मुझे ज्यादा आप हिंदी में बात करेंगे कैसे अब तर्कशास्त्री वर्ड मैंने बड़े सालों बाद सुना है तर्कशास्त्री
तो वो तर्कशास्त्री थे, तो मैं हमेशा मतलब उनके उनके बारे में उनकी उनकी सोच उनकी हिस्ट्री से काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो मैं अपनी दुनिया में रहता था अनुपम जी, आई यूज़ टू बी इन माई ओन वर्ल्ड, आई यूज़ टू बी लार्जली इन माई ओन वर्ल्ड। एंड पर जब पहली बार क्लास 7 में डिबेटिंग की तब एज आई टोल्ड यू माई लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग आफ्टर दैट। एंड हाउ डिड यू डिसाइड टू बी अ जर्नलिस्ट? हाउ डिड आई डिसाइड? आई डिडंट डिसाइड टू बी अ जर्नलिस्ट, वो तो ऐसे ही मतलब वन थिंग लेड टू द अदर। हाउ? तो बेसिकली ग्रेजुएशन की हिंदू कॉलेज, आई डिडंट वांट टू गूगल सर्च यू एंड सॉर्ट ऑफ से दैट मुझे आप ये पता है, आई वांटेड टू गेट इट फ्रॉम यू। हां बिल्कुल। तो मैं मतलब क्या हुआ कि केंद्रीय विद्यालय जबलपुर से क्लास 12 की, आपको मैंने कहा क्लास 10 में 80% मिली, क्लास 12 में करीब 86% मिली थी, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। मगर नंबर अजीब तरह के नंबर थे। आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में 96 मिल गई और मैथमेटिक्स में 27 मिल गई। मतलब कि ये आपको मैं एम शेयरिंग अ सीक्रेट विथ यू व्हिच आई एम सेइंग, आई फेल्ड इन वन सब्जेक्ट इन क्लास 12, मैथमेटिक्स एंड बट आई टॉप्ड इन बायोलॉजी। बट लकीली हमारे क्लास 12 में बेस्ट ऑफ 4 हुआ करती थी, मतलब इफ यू पास इन 4 यू आर पास्ड, यू गेट योर क्लास 12, अदरवाइज आई वुड हैव नॉट पास्ड माय क्लास 12। तो वही मार्क्स लेके 86% लेके दिल्ली गया। दिल्ली में जाके हर जगह इंटरव्यूज या मतलब जहाँ अपना मतलब पर्चा रखता था वहाँ पे कि नंबर इतने, जहाँ पे पहले नंबर एडमिशन मिल गया वो ले ली मैंने, वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में सोशियोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन मिल गई, लिस्ट पे आ गई नाम और एडमिशन ले लिया, और कुछ सोचा ही नहीं, बस लगा कि अच्छा कॉलेज है और इधर से लाइफ की शुरुआत होगी। तो फिर वहाँ पे गया, 2 साल हिंदू कॉलेज हॉस्टल में रहा, और उसके बाद आपने पूछा था जर्नलिज्म में कैसे आए, तो उसके बाद मुझे एक स्कॉलरशिप मिली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने की, और मैं वहाँ पे गया अपनी मास्टर्स डिग्री की। वापस जब आया इंग्लैंड से, डिग्री इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, वहाँ पे अब ऑप्शन थे कि या तो पीएचडी करे, लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, मगर एक मतलब एंग्जाइटी थी कि मैं अभी 6 साल पीएचडी करूंगा तो कहीं उसमें फंस ना जाऊं, या फिर एम आई रियली श्योर कि मैं एकेडमिक्स में फुल्ली जाना चाहता हूं। तो फिर वापस आ गया, और फिर जो मतलब जो नौकरी ऑब्वियस थी हमारे लिए जर्नलिज्म थी, क्योंकि लिखने का मौका था, शौक भी था, बोलने का भी शौक था, और समवे इट वॉज द प्रोफेशन विच आई थॉट वुड बी ओके फॉर मी। और फिर मैंने टेलीग्राफ में मैंने ज्वाइन की एज ए जर्नलिस्ट। दिल्ली में कोई नौकरी मिली नहीं, बहुत कोशिश की। अच्छा, बहुत कोशिश की और नहीं मिली? नहीं मिली। वाई, मतलब क्यों नहीं मिली? अब कोई कनेक्शंस नहीं थे अनुपम जी। अच्छा। और क्या था कि तब तक मास्टर्स डिग्री कर चुका था और अच्छी यूनिवर्सिटी से की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी, लगा था कि जो मौके मुझे मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे थे, किसी को जानता नहीं था। सो लेट मी जस्ट रीफ्रेज माय क्वेश्चन। आपने कहा मैं एवरेज था, अब आप बोलते 85%, अब आप कह रहे हो कि मुझे नौकरी अच्छी नहीं मिली। वॉज इट दैट योर स्टैंडर्ड वॉज हाई एंड यू वॉन्टेड टू बी अ सर्टन काइंड ऑफ अ पर्सन एंड वॉट यू वर गेटिंग वॉज नॉट दैट? नहीं, कोई ऐसे एस्पिरेशंस नहीं थे। देखिए, मैं लाइफ को एक ग्राफ की तरह से देखता हूँ, जहाँ से भी शुरू करे ग्राफ ऊपर जानी चाहिए और थ्रू हार्ड वर्क। तो एवरेज स्टूडेंट ही था, मगर कठिन परिश्रम करके, 7-8 साल कठिन परिश्रम करके उससे अबव एवरेज बना, ठीक ठाक स्टूडेंट बना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ठीक ठाक रिजल्ट की, फिर विदेश गया। मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था, मगर एक एस्पिरेशन थी कि जर्नलिज्म करूंगा तो दिल्ली में कोई मौका मिलेगा। कई लोगों से मिला था, आप अभी भी स्वपन दास गुप्ता को पूछिए कि मैं उनके 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 दफ्तर में गया था, स्वपन दा बैठे थे, डेप्यूटी एडिटर थे इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने भेजा था चंदन मित्रा के पास, दोनों के साथ बहुत लंबी बातचीत हुई थी, मगर कुछ हुआ, नौकरी नहीं मिली, और दूसरे जगह में तो मीटिंग भी नहीं हुई। बिकॉज आपने कुछ आर्गुमेंट किया होगा? नहीं, आर्गुमेंट नहीं, वो बेसिकली नौकरियां थी नहीं, या फिर कई जगह में फ्रेंकली आपको बताऊं तो कोई मतलब क्या कहते हैं पहुंच नहीं थी मेरी, और जिनके साथ मीटिंग होके नौकरी मिल सकती थी उनके साथ मीटिंग नहीं होती थी, और मैं रिसेप्शन के मतलब रिसेप्शन तक ही सीमित रहा था, आई वॉज ऑलवेज स्टॉप्ड एट द रिसेप्शन। तो मैं आज जितने मीडिया हाउसेस हैं दिल्ली के उस समय थे, सबके एंट्रेंस में मैं अपनी मतलब एप्लीकेशन और बायोडाटा रखता था। 2-3 महीने नहीं मिली तो पैसे भी नहीं थे, डेस्परेशन आ गई थी, तो कलकत्ता में गया तो स्वपनदा ने कहा था कि तुम्हें इधर शायद मौका नहीं मिलेगा, मगर तुम टेलीग्राफ में जाओ, वहाँ पे मौका मिलेगा। तो वहाँ पे मिल गई नौकरी, ट्रेनी सब एडिटर की, 4,000 रुपये की तनख्वाह थी 1995।
हमारे अर्ली फिल्मों में जर्नलिस्ट का जो रोल करते थे ना, वो बड़े ईमानदार, खादी का कुर्ता पजामा झोला, और अगर किसी ईमानदार तर्क को दिखाना होता था, तबके को दिखाना होता तो जर्नलिस्ट को दिखाते थे. वेयर डिड यू पिक अप द एलिमेंट ऑफ ईमानदारी फ्रॉम? इट्स इन माय ब्लड. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो. इट्स इन माय ब्लड. जो मैंने आपको कहा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. मटेरियल एस्पिरेशंस ज्यादा मत रखो. मटेरियल ग्रोथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो. एक तरह से जिसको हिंदी में आप कहेंगे एक सात्विक जीवन की कोशिश, जो मेरे कोका की आइडियल थी. और जितना चाहिए उससे थोड़ा कम हाथ में रहे तो बेटर होगा. आई ऑलवेज फेल्ट दैट यू शुड ईट अ लिटिल लेस, ड्रेस अ लिटिल लेस, एंड होप टू अचीव अ लॉट मोर. तो ये मेरे साथ थी. तो मेरे लिए जर्नलिज्म, फर्स्ट इट वॉज एन एक्सीडेंट कि कुछ करना था तो जर्नलिज्म में आ गया, नौकरी चाहिए. बाद में इट बिकेम अ पैशन आफ्टर अबाउट 10 years. इट टुक मी 10 years अनुपम जी टू एक्चुअली अंडरस्टैंड वॉट आई कुड डू एज अ जर्नलिस्ट. तो 10 साल तो एक्सपेरिमेंटेशन के गए थे दिल्ली में. 10 साल लगे आपको ये जानने में, समझने में, ये जानने में कि आप करना क्या चाहते हैं. 10 साल लगे कि जर्नलिज्म होता क्या है, इस देश में जर्नलिज्म है क्या, इसको समझने में मुझे 10 साल लगे. 1 साल कलकत्ता में और सारे 9 साल. दिस इज द लेट 90s, अर्ली मिड 90s. 1995 से लेके 2004 की बात कर रहा हूँ. और उस समय अलग अलग जगह में रिपोर्टर था, अलग अलग जगह गया मैं. मैंने मतलब इस देश की रियलिटी को मतलब करीब से देखा. पहली बार रिपोर्टिंग करने गया था कटिहार में, पूर्णिया में. वहाँ पे कास्ट वायलेंस को करीब से देखा. एक सोशियोलॉजिस्ट के नज़रिए से देखता था पहले, फिर समझने की कोशिश की. मैंने आंखों के सामने लोगों का इंटरव्यू किया और मेरे आंखों के सामने मैंने देखा कि मेरे इंटरव्यू के 2-3 या 4-5 हफ्ते बाद उनकी पॉलिटिकल मर्डर हो गई. मतलब आई सॉ द कंट्री फ्रॉम क्लोज. बट देयर वाज अ एक व्हाट, हाउ डू आई से इट, एक कोई पैशन नहीं थी जर्नलिज्म में. मतलब एक रिपोर्टिंग की बात थी कि ये हो रहा है इसको रिपोर्ट करो, ये हो रहा है ये रिपोर्ट कीजिए, इतने लोग मर गए, ये हादसा हो गया. इसमें कोई जान नहीं थी, कोई जज्बा नहीं था. देयर वाज नो फीलिंग इन इट. 10 साल लगे और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था इन 10 सालों में. इतने चीजें मैंने देखी करीब से और मुझे लगा कि इस जो मैं कर रहा हूं उससे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. इज देयर एनी इंसिडेंट व्हिच सॉर्ट ऑफ मेड यू फील दैट आई नीड टू चेंज माय वे ऑफ जर्नलिज्म और समथिंग लाइक दैट, और देयर आर वेरियस डिफरेंट थिंग्स व्हिच बिकेम अ फैक्टर? देयर वर 2-5 इंस्टेंसेस. ओके. एक था कि एक मंत्री थे, कानून मंत्री थे भारत के, मैं नाम नहीं ले रहा. उनको तीखे सवाल कर दिए थे मैंने, और तीखे सवाल करने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी कंप्लेंट कर दी मेरे बारे में जिस चैनल में मैं काम करता था. और मुझे कहा गया कि आप जाके इनसे माफी मांगिए. अच्छा, चैनल वालों ने कहा? चैनल वालों ने कहा कि आप जाके माफी मांगिए. मैं पूछूंगा नहीं वो तीखे सवाल क्या थे, मगर व्हाट वाज, आप तो तीखे सवाल करने के आदी हैं, आपको तीखे सवाल करना अच्छा लगता है, और व्हाट मेड हिम अनकंफर्टेबल अबाउट दोज पॉइंटेड क्वेश्चंस? बिकॉज़ इट वाज अबाउट हिज रिस्पांसिबिलिटी. अच्छा, अब उसको इनोसेंस कह दीजिए. मैं मतलब आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज रिस्पांसिबिलिटी. मतलब कुछ हुआ था, मुझे ठीक याद नहीं है, मगर मुझे याद है कि मैं वही सवाल करते करते और पता नहीं क्यों क्या हुआ था उस, मैं करीब उनके पीछे भागता रहा. गेट नंबर 4 थी पार्लियामेंट में, और मैं भागता रहा उनके पीछे जब तक वो गाड़ी में नहीं घुसे. और पता नहीं क्या हुआ अनुपम जी, मैंने कोशिश ये भी की कि माइक अंदर डाल दूं, वो सवाल करूं. मैं या तो डेस्परेट था या फिर मैं बहुत जज्बाती हो गया था, मगर उनको अच्छा नहीं लगा था. और उस समय सीधा कंप्लेंट किया, और फिर मुझे बुलाया गया और बोला गया कि आपने यू हैव क्रॉस द लाइन, माफी मांगी. तो आई फेल्ट इट वॉज लिटरली अ चॉइस, यू वॉन्ट टू कीप योर जॉब, यू नो. एंड आई रिमेम्बर मैं जाके मैंने कानून मंत्री से, वो जो मैं थे, मैंने बैठा था उनके साथ, मैं पार्लियामेंट में गया, मैं मिला, और उनको लगा था कि आई हैव गॉट अ सेंस ऑफ पावर ओवर दिस जर्नलिस्ट. दीज मोमेंट्स मेड मी वेरी एंग्री. बट डिड यू अपोलोजाइज? नो, आई मेट हिम, आई डिड नॉट अपोलोजाइज. यू जस्ट, आई डिड नॉट अपोलोजाइज. डिड यू से सॉरी टू हिम? नो, आई डिडंट. आई सेड आई हैव बीन आस्क्ड टू कम एंड मीट हिम. अच्छा, मुझे कहा गया है कि आपसे मिलूं. और जब मुझे पूछा गया, और आई सेड और कुछ नहीं है मुझे कहना.
ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस थे अनुपम जी. मैं लेफ्ट का रिपोर्टर था, एक साउंड बाइट ली थी मैंने सीपीएम के दफ्तर में, रिपोर्टर था, और फिर ज्योति बासु की साउंड बाइट ली थी लेफ्ट में, कोई अंदर की देयर वाज अ फाइट गोइंग इन बिटवीन, आई हैड कम बैक, कुछ हुआ था, मैं खड़ा रहा था, सीपीएम के लोग खुश नहीं थे मेरे साथ, मुझ पर फिजिकल असॉल्ट की वहाँ पे जो लोग थे उस समय, हरकिशन सिंह सुरजीत वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सीपीएम, मुझ पर फिजिकल असॉल्ट हुई. मैंने जाके उस समय हमारे कंपनी के मैनेजमेंट को मैंने फिर से कंप्लेंट की थी, और मुझे बोला गया कि मैं जाके मिलूं, और मेरे पास थी वो चिट्ठी, अभी पता नहीं मेरे पास है कि नहीं, मगर प्रकाश करात ने चिट्ठी लिखी थी. और मैंने, जब तक मैं टाइम्स नाउ में था, वो फ्रेम्ड थी मेरे ऑफिस में. जब उन्होंने कहा था वी आई एम सॉरी फॉर द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड, ही डिडंट से सॉरी टू मी, बट आई मेड हिम राइट दैट लेटर वेयर ही सेड आई एम सॉरी फॉर द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड. मैंने उसको फ्रेम किया था अपने रूम में, क्योंकि मुझे लगा था हमेशा कि इन दिस कि वीजा वी अ पॉलिटिशियन, मतलब भारत में एक रिलेशनशिप ऐसे हो गई थी कि पॉलिटिशियन इधर था और जर्नलिस्ट इधर था. आई वाज अनकंफर्टेबल विद दैट बिकॉज़ आई वाज यंग, एंड एज अ यंग पर्सन हु हैज डिसाइडेड टू बी अ जर्नलिस्ट, चॉइस थी, मुझे लगा कि दिस इज नॉट द राइट रिलेशनशिप टू हैव. मगर उस समय दूरदर्शन में हमारे सारे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट हुआ करते थे, प्राइवेट हाउस थी एनडीटीवी, मगर सारे जो प्रोग्राम्स वो दूरदर्शन के लिए बनाते थे. तो सरकार के लिए प्रोग्राम्स बना रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी, तो एक एक लक्ष्मण रेखा थी, आप क्रॉस नहीं कर पाते थे. अगर या तो स्क्रिप्ट में भी क्रॉस नहीं कर सकते, स्क्रिप्ट में भी क्रॉस नहीं कर सकते, रिपोर्टिंग में भी क्रॉस नहीं कर सकते, और अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी क्रॉस नहीं कर सकते. तो ये आई हैव सीन दिस फ्रॉम अप क्लोज. और जो लोग मुझे आजकल कहने की कोशिश करते हैं कि सरकार से सवाल करो, वो तो 20 साल में उनकी सरकार थी, सारे घोटाले उनके सरकार के टाइम पे हो गए, और वो कभी सवाल नहीं करते थे. वो मैंने करीब से देखा है. इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था अनुपम जी कि 2000 में मुझे एक विजिटिंग फेलोशिप मिली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और मैं वापस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया यूके में एज अ विजिटिंग फेलो. और मैंने सोचा था कि अगर यही मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ तो मेरी इम्पैक्ट क्या है. तो मैंने तभी मन के बना के रखा था, या तो मैं इधर से निकलूंगा, या अपना शुरू करूंगा, या किसी तरह से जो जर्नलिज्म की जो धारा चल रही है, द वे इन विच इट इज मूविंग, इट हैज टू बी चैलेंज्ड एंड क्वेश्चन. एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन वाज अबाउट द अपॉर्चुनिटी, मौका कब मिलेगा. बट व्हाट वाज दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड यू, व्हाट वाज दिस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये क्या क्या आवाज आती थी आपके अंदर से, कहते थे कि नहीं ये गलत है ये सही है. बिकॉज देखिए, आप सब लोग जवान थे, या सब लोगों की एक खास उम्र थी, सब लोग उस हालात में थे, सबने तो सब तो नहीं ऐसा तो मेरी वो बैकग्राउंड नहीं थी, सोशल बैकग्राउंड मेरी नहीं थी. जो ये लुटियन की मीडिया जिसके बारे में मैं कहता हूँ, उस समय जितने लोग थे वो या तो वो अलग तरह के बैकग्राउंड्स के थे. अनुपम जी, मुझे लगा था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और मैंने जो भी अचीव की है थ्रू हार्ड वर्क, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, अचीवमेंट, एग्जाम, रिजल्ट, तो एक तरह से आई वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. जो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट अबव एवरेज बन के कुछ लाइफ में अचीव करे, और मुझे लगता था कि जितनी मेहनत मैंने की है, जो लोग मेरे साथ काम करते थे उन्होंने उतनी नहीं की है. दे वर ऑटोमेटिक एंट्रीज, ट्रिपल प्रमोशंस, वी हैड, सो इट वाज अ फाइट. जो कॉन्फ्लिक्ट की बात आप कर रहे हैं, आई वाज द प्रोडक्ट ऑफ मेरिट, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि आई रिप्रेजेंट पीपल हु वर्कड हार्ड टू गेट समवेयर, वेयर इज आई वाज वर्किंग विद पीपल, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, हु डिड नॉट वर्क हार्ड इन माय व्यू एज हार्ड एज आई हैड वर्क टू गेट समवेयर, एंड आई फेल्ट दैट इफ आई हैव द एबिलिटी आई शुड स्ट्राइक माय ओन. और दूसरी बात थी, हमें बोला गया था कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को जर्नलिज्म में कभी सामने मत रखिए, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को मत रखिए. बस 9 महीने के लिए मुझे एक प्रोग्राम करने का मौका मिला था एनडीटीवी छोड़ने से पहले, जिसका नाम था न्यूज नाइट. और अनुपम जी, मैंने वो 25 मिनट में, मैं 8:30 बजे प्रोग्राम करता था और प्रणय रॉय 9 बजे के न्यूज पढ़ते थे, और मैंने उस प्रोग्राम को डिबेट प्रोग्राम कर दिया, और मैंने उस प्रोग्राम को टर्न अराउंड कर दी कि इसमें जितने तीखे सवाल जितनी बार रिपीट करके जितने एग्रेशन के साथ पूछे, और ऑडियंस की रिएक्शन मैंने देखी थी. आज भी आप जाके एनडीटीवी में पूछिए, जो मेरे प्रोग्राम थे उसकी रेटिंग्स, उस समय रेटिंग्स थोड़े आया करती थी, उस समय कोई मेजरमेंट सिस्टम आया था, बहुत हाई थी, लोगों को पसंद था, मगर मुझे उसको पूरी तरह से एक स्वतंत्र तरीके से करने के लिए, एक इंडिपेंडेंट तरीके से करने के लिए मुझे आई नीडेड टोटल फ्रीडम, टोटल इंडिपेंडेंस. उसके लिए मैंने डिसाइड की थी 2002-2003 में कि अब अगर मौका मिलेगा तो या तो अपना चैनल खड़ा करूंगा,
या फिर एटलीस्ट कुछ ना हो तो अपने एक चैनल का संपादक बनूंगा, एडिटर या एडिटर इन चीफ बनूंगा, फिर डिसाइड करूंगा और इक्वल फिर मैं अपने अपने तरीके से न्यूज करूंगा। और वो मौका 2004-05 में When you joined Times Now? When I didn't join Times Now. Achha. I didn't join Times Now. There was no Times Now. Right. When you... There is no Times Now. Anupam ji, ये गलत फहमी है लोगों की कि मैंने Times Now join की। Times Now तो थी नहीं। आपने बनाया Times Now। मैंने उसकी नींव रखी, उसकी फाउंडेशन रखी। Why did you leave NDTV? मैंने प्रणोय ने पूछा था तो मैंने आई रिमेम्बर आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज जर्नलिस्ट। उस समय जो अंग्रेजी बोलते थे उनके लिए एनडीटीवी छोड़ के और कहीं मौका नहीं था, मगर एक्चुअल वो रीजन नहीं था। मैं खुद से करना चाहता था और अगर आपको बहुत बहुत मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली करूँ, मैं कम्पीट करना चाहता था एट अ हायर लेवल। आई वॉन्टेड टू कम्पीट एट अ हायर लेवल एंड आई डिसअग्रीड विद द फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म दैट वॉज बींग डन इन दिल्ली। मुझे प्रॉब्लम्स थे उसके साथ, मुझे लगा कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं हैगियोग्राफी, इसका हिंदी रूपांतर क्या होगा मुझे नहीं पता। हैगियोग्राफी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इन्होंने ये कहा, इस तरह की जर्नलिज्म चल रही थी। दूरदर्शन टाइप की जर्नलिज्म थी मगर उसका एक थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन था, कॉन्टेंट स्ट्रांग नहीं था। एंड अनुपम जी, तब तक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल रहा हूँ और मैंने भाई परमानंद कॉलोनी, मुखर्जी नगर, विजय नगर, हडसन लाइन्स, किंग्सवे कैंप्स में रहकर मैंने आई हैव सीन दिस कंट्री फ्रॉम मच मोर क्लोज देन पीपल इन एनडीटीवी हैड सीन। तो मुझे लगा था एक डिस्कनेक्ट है उस समय जो एनडीटीवी की जर्नलिज्म है और भारत की जो एक एनडीटीवी, नो डिसरिस्पेक्ट बट उस समय की जर्नलिज्म जो थी और भारत की जो वास्तविकता है, इसके बीच में एक अंतर है, एंड आई वॉन्टेड टू क्लोज द गैप। अब मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ whatever the reality of this country is, I wanted to bridge the gap. Aur mujhe ek I was very confident that if I got a chance I will do it. So how did you create Times Now? You said Times Now I created from scratch, matlab ki pehle join ki, fir ek saal tak baitha raha, fir plans badalte rahe, fir ek din maine unhe kaha, mujhe kaha kisi ne, wahan pe jo top management the unhone kaha dekhiye shayad investment nahi hogi, to maine kaha ye kaise ho sakta hai, मैं तो दिल्ली से मुंबई आ गया, मुझे कहा गया चैनल लॉन्च करने के लिए, तो उन्होंने कहा आप खुद इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रेज करते। तो फिर हम 4-5 लोग थे, हमने मैनेजमेंट को कहा कि हम खुद इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे। और उसके बाद 15-20 दिन के लिए, करीब 3 हफ्ते 1 महीने के लिए हम यूरोप गए और न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क में जो टाइम्स स्क्वायर है वहाँ पे रॉयटर्स की एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे गए। क्रिस एहर्न करके एक थे प्रेसिडेंट ऑफ रॉयटर्स, उनको प्रेजेंटेशन की, पिच की, उनके साथ में डिनर के लिए गया। और मैंने उन्होंने मुझे अलग से बोला कि देखिए बिजनेस की बात छोड़ो, तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने बोला कि मुझे अगर मौका दिया जाए तो मैं भारत का सबसे बड़ा चैनल क्रिएट कर सकता हूँ। एंड इट वॉज प्योरली एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द हार्ट। 2005 में इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट हुई और उन्होंने उस समय में पता नहीं कभी 90 या 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और उससे टाइम्स नाउ खड़ी हुई। एक तरह से एक एंटरप्रेन्योरियल काम किया मैंने, टोटली एंटरप्रेन्योर, to start a channel, to raise the investment, to hire the professionals. और उस समय Reuters ने करीब 10 या 15 देशों के लोगों को मुंबई भेजा हमारे अंडर ट्रेनिंग करने के लिए। प्रोग्राम बनाए न्यूयॉर्क के कंपनी के लिए, Reuters वर्ल्ड रिपोर्ट, चैनल लॉन्च की 2006 में। तो बिल्कुल जो मतलब कि it was a baby that was given birth to through a very difficult pregnancy, but it was a beautiful baby. And the channel launched in 2006, and ek saal mein we had become number one. And then you changed the history of the so-called, in a phrase, the history of Indian journalism. Also, the events that happened, whether it was 26/11, whether it was so many other incidents, jisko jis tarah se aapne report kiya, jis tarah se aapne usko duniya ke samne pesh kiya, aapne sarkaron ko hilane ki puri ek neev rakhi. ऐसी कोई प्लान नहीं थी। नहीं नहीं, प्लान की बात नहीं है। देखिए, आपने जो भी अपना जज्बा बताया है, उस जज्बे को लेकर, व्हेन यू से दैट आई वांटेड टू चेंज जर्नलिज्म, व्हाट डिड इट दैट यू वांट टू चेंज? बिकॉज़ आई रिमेंबर यू कवरिंग 26/11, आई रिमेंबर यू कवरिंग कारगिल वॉर, आई रिमेंबर यू कवरिंग सो मेनी अदर थिंग्स। सो अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ जर्नलिज्म मेड द पीपल थिंक इन अ डिफरेंट मैनर। It did. I remember, Anupam ji, there was a meeting. Even with the, I remember if I, in a
in a prime minister's meeting, you yes. spoke about to you asked a question to Prime Minister Manmohan Singh. Yeah. So these are the things that people do, which are uncomfortable things for yeah. a lot of people. Yeah. But that is what changes the course of. Yeah. So you know, Anupam ji, before the launch of Times Now, a meeting hui thi. और फिर मीटिंग में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लोग आए थे और हमने एक लाइन प्री प्रिपेयर करके हम गए थे उसमें. लियो बर्नेट एजेंसी थी, बैठ रहे थे और हर जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले बैठ के डिस्कस करते हैं अच्छा चैनल का क्या कैप्शन होना चाहिए, क्या लाइन होना चाहिए. और मुझे लगा था कि एडवर्टाइजिंग विथ रिस्पेक्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों को क्या पता है न्यूज़ के बारे में, वो क्यों हमें बता रहे हैं कि चैनल का क्या लाइन होना चाहिए. तो मैंने कहा था, मैंने प्रेजेंटेशन की थी वहाँ पर, मैंने बोला था इसका द ओनली लाइन on Times Now should be feel the news. Feel the news. मतलब इसको what is महसूस करो. खबर को महसूस करो. हाँ, बिल्कुल. अब लोग कहते हैं हमारी तेज खबर है, पहले फर्स्ट है, नंबर वन है वगैरह है, मगर कोई ये नहीं कहता है कि खबर को महसूस करो. मगर मुझे लगा था कि भारत में यही एक पॉइंट है कि इधर इस देश में 60-70 सालों से खबर हो रही है, कई तरह के खबर हो रहे हैं, खबरें भी हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं, चैनल भी है, मगर कोई चैनल वाला या कोई न्यूज़पेपर वाले खबर को महसूस नहीं करते थे, ऐसे प्रेजेंट करते थे यानी कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मुझे लगा था कि यू नीड टू फील द न्यूज. तो मुझे कहा गया था इसको इमेजिन करके, विजुअलाइज करके बताइए. तो मैंने आई रिमेंबर आई क्लोज्ड माई आईज और इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने कहा था उस समय कि देखिए आप एक विजुअल लीजिए अपने दिमाग में कि आप विजुअल लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि सचिन तेंदुलकर सेंचुरी स्कोर कर रहा है, ठीक है, मगर वो मोमेंट स्लो मोशन में जा रहा है या फिर आप उसको देख रहे हैं क्लोजअप, कोई ग्राफिक्स नहीं है स्क्रीन पे और सिर्फ उसके ऊपर एक ऑडियो होगी और सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी स्कोर की या फिर ही लुक्स अप टू द स्काई एंड यू नो व्हाट द वे दैट क्रिकेटर्स सेलिब्रेट एंड देन आई सेड देयर शुड ओनली बी द साउंड ऑफ अ हार्ट बीट जिसमें जाएगा ओनली धक 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 thak thak because I can't express it any other words. I said the sound of a heartbeat and the picture that tells a million stories put together with the line feel the news. And for me koi bhi any moment in news can be captured by the heartbeat, any moment in news. I remember many moments. If you tell me today 26/11 there is a shot of the burning Taj. And there is a shot of the security people coming out after a successful operation. Aur wo security wo hamare NSG ke commando truck mein baith rahe, aap us visual ko dekh rahe and you are only hearing the heartbeat over it. Any moment, agar ya to main Manmohan Singh ke sath face to face hu 2011 mein press conference mein, मेरे को सवाल याद नहीं है मगर मेरे को वो हार्ट बीट की साउंड अभी भी आती है क्योंकि मुझे लगता है कि दैट इज द मोमेंट. तो मैंने कहा था कि न्यूज को आप महसूस करना शुरू कीजिए. अगर इस देश के डेमोक्रेसी को बदलना है तो लोगों को मेक देम कम क्लोज टू द न्यूज. लोगों को दूर क्यों रखा जा रहा है खबरों से? करेक्ट. आप लोगों को दे रहे हैं खबर, ये लीजिए, कल मिलते हैं, यू नो. और मुझे आई फेल्ट दिस वॉज वेरी फेक, वेरी आर्टिफिशियल, वेरी फॉल्स. लोगों को पास लाइए, पास लाइए, सवाल को हर बार पूछिए, परसिस्टेंटली पूछिए, सिंपल सवाल पूछिए. और मैं आपको बताऊं सबसे पावरफुल जो मेरी लाइफ बदल गई, अनुपम जी, इसके बारे में मैं 2-3 जगह मैं कह चुका हूं. जब एक 5 साल का बच्चा जिसका नाम था प्रिंस, वो कुरुक्षेत्र के एक गड्ढे में गिर गया, मैनहोल, ओपन मैनहोल, और एक बच्चा गिर गया और मुझे कहा गया था कि छोटी खबर है, फोन पे बोला था मेरे एडिटोरियल टीम में, और ये हिंदी चैनल की खबर है. मैंने कहा क्या हिंदी चैनल की खबर है? तो बोला एक बच्चा गिरा है, हिंदी चैनल वाले कर रहे हैं. ऐसे हिंदी इंग्लिश की सिस्टम मैं समझता नहीं था. उस समय मैंने टाइम्स नाउ लॉन्च की थी और चैनल के रेटिंग्स बहुत बुरे थे. मैं ऑफिस में गया और एक तरह से व्हेन अ पर्सन लूजेस एवरीथिंग, उस तरह से हमने 4-5 दिन सब कुछ छोड़ के सिर्फ प्रिंस की खबर की थी. 2 या 3 दिन बाद प्रिंस को बाहर लाया गया था और उन 2 दिनों में In the whole country, nobody was talking about anything else but how to save Prince. Phone आने लगे, हमने screen को split कर दी, हमने सवाल पूछा अंग्रेजी में, is this the limit of government apathy? यानी कि ये जो लोगों की जो बेबस हालत है कि एक बच्चा manhole में गिर गया जिसको cover करने की responsibility सरकार की है,
एक तरह से इतनी गिल्ट फील कराई सरकार को, इतना प्रेशर डाला। और मुझे लगता है जो मुझ में जो एक गुस्सा था 11 सालों से कि दिल्ली में मैंने पत्रकारिता देखी थी, इन्होंने किसी के बारे में सोचा नहीं था, अपने स्वार्थ को छोड़ के मीडिया ने अपने बारे में सब कुछ सोचा, लोगों के बारे में नहीं सोचा था। और शायद मुझे लगा कि मैं तो हार चुका हूँ, चैनल लॉन्च की, चैनल फेल हो गई है, मेरी नौकरी जाने वाली है, मगर मैंने पूरे मतलब विथ माई हार्ट खबर को महसूस करते हुए मैंने कवरेज की थी। और जब प्रिंस, मुझे अभी भी याद है, और विजुअल अगर मैं हो सके तो आपको दिखाऊंगा, आप इस इंटरव्यू में भी दिखाइए, जब प्रिंस को बाहर लाया गया तो मिलिट्री के इंजीनियर्स थे और सवाल ये था कि इज प्रिंस अलाइव और इज ही नॉट अलाइव, और देयर वाज अबाउट 10-15 मिनट्स आफ्टर दैट एक अनाउंसमेंट हुई थी दैट प्रिंस इज अलाइव। और जब अनाउंसमेंट हुई थी, आप किसी को भी पूछिए जिन्होंने टाइम्स नाउ में काम किया था उस समय, सब रोने लगे थे न्यूज रूम में, रोने लगे थे। मैंने अपने करियर में दो बार आई हैव ब्रोकन डाउन, वंस व्हेन प्रिंस केम आउट अलाइव एंड सेकंड टाइम एट द एंड ऑफ 2611। मुझे एक फोन आया था, चार दिन मैंने कवर की थी, करीब 90 घंटे तक एंकरिंग या 80 घंटे एंकरिंग की थी, कोई व्यूअर ने कॉल करके जस्ट जैसे ही क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, और मैंने कहा कि आप बुरा ना माने बट मैं आपसे लेक्चर नहीं जानना चाहता हूँ भारत के बारे में, टेररिज्म के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, आई डोंट केयर अबाउट योर व्यूज, आई फील माई व्यूज आर इन लिंक विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो आई हैव फेल्ट द न्यूज वेरी क्लोजली अनुपम जी, और हर एक स्टोरी के साथ मुझे लगता था कि मुझे दिशा दिखाई जा रही है। मैं कोई जर्नलिज्म स्कूल में नहीं गया हूँ, मैंने कोई जर्नलिज्म की डिग्री नहीं की है, मगर जैसे कहते हैं ना, आई वॉज लर्निंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। प्रिंस की खबर, 2611 की खबर, जितनी पॉलिटिकल अटैक हो गई 2010 में मुझ पर, जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम वगैरह स्कैम्स की, तो हर एक इट चेंज्ड द सिस्टम, इट चेंज्ड। मुझे याद है जब आप कॉमनवेल्थ गेम के पूरा कवरेज कर रहे थे, यू वर हैमरिंग, यू वर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड अबाउट इट, वाज देयर अ सेंस ऑफ पावर दैट यू वर गेटिंग आउट ऑफ इट, और जस्ट द आईडिया वाज टू एक्सप्लेन द रॉट दैट वाज इन द कंट्री। You see, a lot of people say, I'm not saying that. A lot of people say that इसका एक नशा है, जब आप बार बार लोग कहते हैं अर्णब गोस्वामी ने ये किया, अर्णब गोस्वामी, तो उसका वो कितना था और ये कितना था, इसका क्या? आप इसको अगर मेरी तरह से समझने की कोशिश करें तो मैं एक रिपोर्टर था जो साउंड बाइट लेने के लिए घूमते रहता था दिल्ली में, जहाँ पे हमारी इंटरव्यू हो रही है ना। आप इधर पूछिए हर मंत्री के घर के बाहर, हर एमपी के घर के बाहर, हर पार्लियामेंट, आप पूछिए अभी भी जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, कि मैं तो वही था जो माइक लेके घूमते रहता था। मगर उसमें मुझे कोई, मुझे विदाउट रिस्पेक्ट, मुझे कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं दिख रही थी। और मुझे लगा कि अगर किसी को नौकरी करना है, नौकरी तो कई तरह से कर सकते हो, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जर्नलिज्म का इम्पैक्ट क्या हुआ? तो मुझे कोई नशा नहीं था, मगर मुझे पहली बार रिस्पॉन्स मिलनी शुरू हुई थी, और कंट्रीज रिस्पॉन्स, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मैं और किरण आपका शो लगातार देखते थे, और ये अगर जज्बात आप हमें जगा सकते थे तो आई एम श्योर आप जगाते। ये कंट्री की रिस्पॉन्स मिल रही थी, कंट्री की रिस्पॉन्स बहुत बड़ी चीज है, और मुझे लगा कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम के बारे में आप कह रहे हैं, तो इसके अंदर की खबर ये है कि कागज हमारे पास दो थे, दो कागज थे, दो पन्ने थे, 75,000 पाउंड से ऐसा कुछ का घपला था, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा था, और हमारे पास कुछ खबर नहीं थी उस दिन। मतलब आपके पास, हमारे पास कोई, आप अगर कहें अर्णब आपके पास कोई सबूत थी क्या, तो मैं कहूंगा कोई सबूत ही नहीं थी मेरे पास स्कैम के बारे में, मगर उसको जैसे जर्नलिस्ट करते ना, बढ़ा चढ़ा के मैंने नाम दे दिया CWG स्कैम ये वो, और फिर मैंने कह दिया पार्ट वन टुडे, पार्ट टू टुमारो, पार्ट थ्री डे आफ्टर, ऐसे मैंने कह दिया। तो तब हमारे सुरेश कलमाडी के जितने शुभचिंतक थे, उन्होंने उनको कहा कि अभी ये जो है ये बैठा हुआ है, इसके पास सारे कागज़ है। तो मुझे फ़ोन आया कि आपके पास सारे कागज़ हैं, मैंने कहा मेरे पास बहुत कागज़ है, क्योंकि मैं क्यों कहूँ किसी को कि मेरे पास नहीं है। तो फिर सुरेश कलमाडी ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि दिल्ली के जितने मीडिया वाले थे ना, उनके बहुत चाहने वाले हैं इधर। उस समय सुरेश कलमाडी के साथ पूरी मीडिया की एक तरह से सिंडिकेट बनी हुई थी, सबने कहा कि इसको चुप कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, इसको लीगल थ्रेट दे दीजिए। तो सुरेश कलमाडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप सोचिए मैं लोअर परेल में बैठा हूँ एक छोटे से स्टूडियो में, दिल्ली की सारी मीडिया, जनता सुरेश कलमाडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मेरे रिपोर्टर को बोला नहीं दिया जा रहा, रिपोर्टर कुछ कह रहा है तो उसको बोला जा रहा है आप चुप रहिए, कोई डिबेट प्रोग्राम नहीं है, इंसल्ट किया जा रहा है। तो मुझे लगा ये आदमी ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है।
तो मुझे लगा कुछ जरूर छुपाना चाहता है, कुछ है. और उसके बाद जब फोन आए थे मेरे को कि आपके पास और क्या है, तो मैंने बोला मेरे पास सब है. तो सुरेश कलमाडी के शुभचिंतनों के कहा कि हम आपको और थोड़ा भेज देते हैं. तो अगले दिन मेरे पास इतने कागज आ गए. उसके बाद हमने रिपोर्टर डिप्लॉयमेंट की थी, मतलब खबर तो हमारे पास थी. हमें कोई यूके में जाके खबर की खबर को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी, खबर हमारे पास थी. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि द पर्सन हु ब्रोक द सीडब्ल्यूजी स्कैम एक्चुअली सुरेश कलमाडी. तो जब जर्नलिस्ट देखता है कि मुझे रिस्पॉन्स मिल रही है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिले, जर्नलिस्ट में भी अनसर्टेनिटी होती है, मगर जब रिस्पॉन्स मिलती है तब जर्नलिस्ट को लगता है कि दिस इज द ट्रू रीजन वाई वी आर इन दिस प्रोफेशन. 2010 से लेकर 2011 तक वी डिड मेनी स्कैम्स लाइक दिस. मुझे याद है अशोक चव्हाण ने फोन किया था मुझे, जब हमने वो आदर्श वाली स्टोरी को नए एंगल से देखते हुए, उसका नाम दिया था कारगिल फॉर प्रॉफिट, और 4-5 दिन नॉनस्टॉप करते रहे. उन्होंने फोन किया और 8:30 बजे फोन आई थी, 20 मिनट तक मैंने बात की थी. मैंने फिर कहा 10 मिनट में मेरा शो है, तो उन्होंने कहा आप ये कवरेज मत की थी. मुख्यमंत्री थे वो. और मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर आप उस पर बोलना चाहते हैं तो आपको मैं अपना ओबी वैन आपके घर के बाहर है, आप लाइव कर लीजिए मेरे साथ. और उनको इस्तीफा देना पड़ा. बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस थे, बट एवरी एक्सपीरियंस के साथ जो लग रहा था ना मुझे कि देश से पूरे होल पीपल ऑफ द कंट्री वर सेइंग टू मी व्हाट यू आर डूइंग इज राइट. एब्सोल्युटली. मेरे सारे जितने जर्नलिज्म के जितने कोलीग्स थे, 99% कहते थे कि ये ही इज गेटिंग कैरिड अवे, ये ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है. एक्चुअली वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने नहीं किया था, और वो या तो उनकी विवशता हो सकती है या उनकी चॉइस हो सकती है, मगर उन्होंने नहीं किया था. मौका उन्हें भी मिला था, मगर मैंने अपने मौके को नहीं छोड़ा. और मैंने ऐसी स्टोरीज की जिससे करप्शन थीम बन गया, पाकिस्तान के साथ जो एक अमन की आशा का एटमोसफेयर बन रहा था वो एक थीम बन गया. सवाल उठाया मैंने, मुझे बुलाया गया था दिल्ली में. उस समय जो मतलब विदेश मंत्रालय में थे उन्होंने कहा था कि मैं जो कर रहा हूँ उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पर. मुझे बोला गया था कि मैं चीन का दुश्मन हूँ, मैं भारत और चीन के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में जानता नहीं हूँ. केंद्रीय मंत्री सब बुला के मुझे भाषण देते थे, मैं सुनता था अनुपम जी, मगर मैं टीवी में जाके वही करता था जो मैं करना चाहता था. और एक तरह से वी बिकेम अ वेरी स्ट्रांग फोर्स एट दैट टाइम. हमने मीडिया की जो रिस्पेक्ट, और उस समय अनुपम जी ये 2010, 9, 10, 11, 12 की बात है, जो लोग मुझे आजकल कहते हैं मुझे जर्नलिज्म की लेक्चर देना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक सवाल आपकी अनुमति हो तो मैं कैमरा में देख के पूछना चाहता हूं. कैमरा में मैं उनसे पूछना चाहता हूं अनुपम जी, जो मुझे जर्नलिज्म का लेक्चर देते थे, कि भाई आप लोगों ने क्या की थी. आप लोग सांप सीढ़ी, सास बहू, साजिश वाजिश, ये सब कल दुनिया खत्म हो जाएगी, हर तरह के यू नो सांप नागिन, ये सब प्रोग्राम्स न्यूज के नाम पर हिंदी पत्रकारिता में होती थी, सनसनी, मगर खबर कहाँ थी. और जो हिंदी चैनल वाले जो उस समय हिंदी चैनल चलाते थे अनुपम जी, वो क्या कर रहे थे, वो खबर दिखा रहे थे. उन्होंने खबर की धज्जियां उड़ा दी थी, मैं तो खुलकर टीवी में कह रहा हूं उनको. जो हिंदी चैनल के जो बड़े बड़े चैनलों के मालिक थे, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं आजकल, वो जानते हैं, क्योंकि मैंने जब रिपब्लिक भारत शुरू की तब मैंने कह दिया कि मैं तो 100% न्यूज करूंगा, मगर वो क्या करते थे. तो जर्नलिज्म वो भूल गए थे. हम तो जर्नलिज्म को हम ट्रैक पे ले आए. और उसके बाद 6 साल बाद हिंदी चैनल की, मगर जर्नलिज्म से जो लोग हट चुके थे, हम जर्नलिज्म को ट्रैक पे ले आए. और उसके साथ वी ब्रॉट अबाउट अवेकनिंग इन द पीपल ऑफ द कंट्री. इतना प्रेशर हुआ करता था अनुपम जी, इतना प्रेशर हुआ करता था. उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री ने मुझे, जब हमारी 26/11 की कवरेज हो रही थी, दूसरे या तीसरे दिन बोला कि अब हमको बंद कराना पड़ेगा, बॉम्बे में आपका टेलीकास्ट नहीं हो सकता, इससे पैनिक स्प्रेड हो रहा है शहर में. और मैंने कहा था कि आप अगर ये कह रहे हैं तो आप बताइए, अगर लोगों के पास खबर नहीं हो तब पैनिक स्प्रेड हो. मैं तो खबर दे रहा हूं. हाँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं 24 घंटे खबर दे रहा हूं, तो मुझे कहा गया था आप दिखा रहे हैं इसलिए दूसरे दिखा रहे हैं. और वो इम्पैक्ट थी, अगर हम 24 घंटे नहीं दिखाते तो दूसरे नहीं दिखाते, क्योंकि भारत में ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है. लोग अगर नहीं जानेंगे तो लोग सवाल नहीं उठाएंगे. लोगों को दिखाओ ही मत. और सबसे ज्यादा मुझे पूछा जाता था तब भी और अब भी कि एक ही खबर पे तुम कंटिन्यू क्यों रहते हो, क्योंकि मुझे लगता है अनुपम कि जब तक उस खबर की कोई कंक्लूजन तक नहीं जाए तो रिपोर्टिंग का क्या फायदा. मैं हमेशा अपने मन में यही सोचता, 24/11 हो या पालघर के साधुओं के बारे में हो, टिल यू टेक अ स्टोरी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन यू हैव टू टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन.
तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाई डिड यू लीव टाइम्स नाउ? बिकॉज मुझे लगा कि या तो अभी पूछा जाता था वहाँ पे कि ये मतलब वो नहीं, कई सारे लोग पूछते थे ये जो मैं कहूँगा कि बेकार के सवाल है कि बड़ा ब्रांड कौन है, अर्णब गोस्वामी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये सब सवाल, तो मैं जो वहाँ पे जो लोग थे मैं उनको और तकलीफ में नहीं रखना चाहता था और मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ अनुपम जी, और मुझे लगा कि अगर मैंने जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ, क्या मैं अगले 10-20 सालों तक उसी दिशा में जा सकूंगा अगर मैं इस ग्रुप में रहूं, तो आंसर था नो, क्लियरली आपको कह रहा हूं। और दूसरी बात, मैं उनकी बात सुनूंगा अनुपम जी जिनको मैं प्रोफेशनली रेस्पेक्ट करूं, और अगर मैं प्रोफेशनली रेस्पेक्ट नहीं करूं तो मैं नाटक नहीं कर सकता, और नाटक करते करते मैं कहीं काम नहीं कर सकता, तो आई वॉन्टेड टू बी टोटली इंडिपेंडेंट। दूसरी बात, हर चीज पे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो थे वो मतलब आई डोंट थिंक दे मैच्ड द ग्रुप एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू कॉज एनीबडी एनी डिस्कम्फर्ट। देश बदल रही थी, बदल चुका था, एंड आई नीडेड अ प्लेटफॉर्म दैट आई कुड रियली कंट्रोल एंड ओन, एंड आई वॉन्टेड टू चूज माई ओन डेस्टिनी मे बी। बट यू वर नॉट एन इंडस्ट्रियलिस्ट, यू वर नॉट ओनर ऑफ सम बिग कॉर्पोरेट्स, एंड यू येट डिसाइडेड टू ओपन योर ओन चैनल। People will say, how did you manage that? Well, I mean, one is complete and total self-belief and confidence. बहुत confidence है अनुपम जी, क्योंकि तब तक मैं 20 साल काम कर चुका था, और अनुपम जी मैं 21 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, और इसलिए मेरे पास जो मैंने राहुल गांधी को कहा था एक बार जब राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू हुई थी तो ग्रीन रूम में राहुल गांधी ने कहा था मुझे, what is your age? तो मैंने बोला था राहुल को कि I'm 40 years old. तो बोला यू आर मच यंगर टू मी, तो मैंने राहुल को बोला था यस राहुल बट आई हैव गॉट 19 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम है कि राहुल को शायद मतलब ही डिड नॉट गेट इट, वो समझ नहीं पाया मैं जो एक तरह से कहने की कोशिश कर रहा था वो समझ नहीं पाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं काफी एक्सपीरियंस था और मुझे लगा कि इस एक्सपीरियंस को राइट डायरेक्शन में मुझे ले जाना है, और मैंने सोचा कि मुझे ना ही एक चैनल खड़ा करना है, मुझे नेटवर्क खड़ा करना है, मुझे अपनी फिलॉसफी, जो मेरी फिलॉसफी है, जो राष्ट्रवादी फिलॉसफी है, उस पर मैं कोई सवाल कोई करे उस मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कोई भी पोजीशन लूँ, मैं कहूँ कि आर्म फोर्सेस के लिए पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, उनके आर्म फोर्सेस को लेके मेरा लाइन अलग है, पाकिस्तान को लेके मेरा लाइन अलग है, सॉरी आप बुरा ना माने मगर आपके इंडस्ट्री को लेके भी मेरा लाइन अलग है। मैं कहता था कि पाकिस्तानियों को हर बार इधर लाके इतने बड़े बड़े रोल में रखने की क्या जरूरत है अगर वो एंटी इंडिया बात कहेंगे तो व्हाट इज देयर कमिटमेंट टू द कंट्री, यू नो आई यूज्ड टू आस्क दीस क्वेश्चंस, आई टोटली एग्री विद यू, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, सो आई फाउंड दैट ऑन एवरी इशू स्मॉल और बिग माय व्यूज वर डिफरेंट, और यू हैव टू डू योर ओन थिंग, है ना। जैसे कि अनुपम जी आप तो कोई रोल आप पे कोई अभी फोर्स नहीं कर सकता है ना, आप जिसमें सेटिस्फाइड होंगे वही करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एक पॉइंट तक आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, उसके बाद आदमी कहता है कि भाई अब बहुत हो गया, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो मैंने सोच लिया था कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और आपने कहा कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं थे और उस तरह की कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने शुरू की थी, बट एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस थी कि पीपल ऑफ द कंट्री लाइक व्हाट वी डू, दैट वाज इट, यू डोंट नीड इन्वेस्टमेंट, पैसों की जरूरत नहीं होती। बट बिल्डिंग खड़ा करना, स्टूडियो बनाना, इक्विपमेंट लाना, लोग पूछेंगे कि वो कहाँ से आया? पहली बात है कि सब कुछ भाड़े का स्टूडियो था, कोई बॉट लैंड नहीं था, कोई लैंड हमारी नहीं थी, कोई बिल्डिंग हम ओन नहीं करते थे, हम लीज में लेते थे, वी वर व्हाट यू कॉल एसेट लाइट। और दूसरी बात है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते थे, अच्छे लोगों को लाते हमारे साथ। और तीसरी बात है कि जब कोई चैनल खड़ा करता है, आपको मैं इसको थोड़े मतलब बिजनेस टर्म्स में समझाता हूँ, लोग कहेंगे कि अच्छा हम 4-5-10 सालों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं फिर चैनल लॉन्च करते हैं, और मैं कहता था कि अगर मेरे पहले 2 महीने हो जाए तो काफी है, बाकी देख लेंगे, भगवान है लोग है। तो मैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट में लॉन्च करता था हर चैनल, जो रिपब्लिक आपको अगर बताऊं या लोग जाने कि रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक डिजिटल में इतना छोटा इन्वेस्टमेंट किया आपने मेरे लिए, प्रोग्राम किया आपने, तो मेरे से पैसे ही नहीं लिए,
आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप जैसे दोस्त थे जो मेरे लिए प्रोग्राम करते थे जस्ट आउट ऑफ अ सेंस ऑफ लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सो आई हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट लाइक दैट. सो आई डोंट नीड मनी बट नो ऑल्सो यू ब्रॉट आउट द इंडियन इन मी एंड मेड मी फील प्राउड टू बी एन इंडियन. That was one of the factors. There was a common bond. Yeah, so there was a common bond. And then you became this Arnab Goswami of Republic, where you went on and on and on about lots of things. You became larger than life, I would like to say. I don't think so. You became larger than life. And Palghar, जो मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था कि पालघर के साधुओं को मेरे आप विजुअल में मैं याद करता हूँ, मुझे वो विजुअल कभी भूलेगा नहीं, वो जो डरे हुए दो साधु थे और उनको लोग चेज कर रहे थे और आप कहते हैं ना बार बार दिखाया, विजुअल रहते जहन में इसलिए हैं क्योंकि वो बार बार देखने को मिलता है. वो प्रिंस का विजुअल रहता ही जहन में इसमें है क्योंकि बार बार देखने को मिलता है. एक सिपाही सरहद पर खड़ा होता है और वो ऐसे खड़ा रहता है बर्फ तूफान धूप में, वो याद रहता है. Then you went into a phase after Republic became very successful where you became the main problem for the government at that time. And I want to ask you, when you got arrested, can you tell me what happened? On the day of the arrest or before? What just before. Make me go through and make my viewers go through this. In January 2020, I was covering a scam and I had got papers on a scam called the NBFC scam. Non-Banking Financial Corporation, jisme Yes Bank, DHFL vagaira, सबकी इन्वॉल्वमेंट थी. और अनुपम जी, ये जो फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है ये हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ लिंक्ड है. अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि हमारे देश में राजनेता, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस वाले, सबसे इम्पोर्टेंट पुलिस वाले, कई सम पुलिस पीपल, मीडिया, कॉर्पोरेट्स, इनकी एक मिली भगत है. भारत में जो लूट हुआ है ये लूट में सबकी शेयर है अनुपम जी. और मैं ऐसे एक स्कैम को एक्सपोज कर रहा था जिसमें बहुत लोगों की मिली भगत थी. और मुझे लगता है कि जनवरी और फरवरी 2020 में कई लोगों को लगा कि अगर इनको रोका नहीं गया और मुझे ही नहीं या रिपब्लिक को नहीं रोका गया और तोड़ा गया तो उनकी नींव हट जाएगी, दैट दे विल बी फिनिश्ड. Because those who have followed my career know that I don't stop at half measures. तो एक वो थी. दूसरी थी पालघर. पालघर में I was very emotional because मैं एक बार शो करने के बस 10 मिनट पहले मैंने शॉर्ट्स देखे थे और मैंने पूरा शो बदल दिया था और मैंने पूरी शो को एडलिप की थी. And I felt there is nothing more important than that. And I felt how helpless these sadhus were. और मैंने सीधे सवाल पूछे थे और मैंने सोनिया गांधी को कहा था, उनका नाम लिया था, मैंने उद्धव के बारे में सवाल उठाए थे, मैंने एनसीपी के बारे में सवाल उठाए थे, मैंने एमवीए सरकार के बारे में सवाल उठाए थे. और मैंने कहा था कि हमारे साधुओं को क्यों मारा और भारत में साधुओं को मारा तो आप चुप हैं, आप चुप रहते क्या कि अगर किसी और को मारा जाता. और डेमोक्रेसी में देयर हैज टू बी इक्वल राइट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड फेथ्स. आई क्वेश्चन दिस फॉर 5-7 days. उस समय मुझे कई सारे मैसेजेज आते थे. मैं आपको खुलकर बहुत मैसेजेज, पुलिस वाले मैसेज करते थे कि तुम ये एनबीएफसी स्कैम बंद कर लो. मैं अपने आप को पूछता था कि किसी पुलिस वाले के एनबीएफसी स्कैम के साथ क्या लेना देना, और इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए अनुपम जी, क्योंकि ये कंपनी किसको कितना पैसा देते हैं, किससे वसूली करते हैं और किससे हफ्ता लेते हैं और किसके पॉकेट में पैसा जाता है, ये एक्सपोज होना चाहिए. और मैंने उस समय कहा था कि मैं तो इसको एक्सपोज करके रहूंगा. और मुझे लगता है कि जिस पुलिस वाले को डर होगी, क्योंकि मैंने खुलकर कहा था, जब मेरे पे एसिड अटैक हुई थी, मेरे पे और मेरे वाइफ पे एसिड अटैक हुई थी, जब हम घर से वापस ऑफिस से घर आ रहे थे, मुंबई के सड़क में बीच में मोटरसाइकिल्स ने हमारे गाड़ी को रोका, एसिड फेंका गया हमारे गाड़ी पर, हमने DCP तक कंप्लेंट की थी. 7 बजे तक मैं खड़ा रहा और मैंने उस रात कांग्रेस के लीडरों ने
ओपनली ट्विटर पे कह दिया कि मिशन अकम्प्लिश्ड, एक पत्रकार एक संपादक पर आप एसिड अटैक कर रहे हैं मुंबई शहर के बीचों बीच, और उसके बाद आप क्लेम कर रहे हैं कि हमने किया, जय जयकार हो रही है, और देश की सारी मीडिया चुप थी क्योंकि उनको लगा अच्छा ठीक है अर्नब गोस्वामी पर एसिड अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको रोका जाए। तो एसिड अटैक हुई थी, एनबीएफसी स्कैम की थी, मैंने पालघर पर सवाल उठाए थे, और फिर मैंने 2 महीने तक मैंने सुशांत सिंह राजपूत के केस पर बहुत डिटेल्ड सवाल उठाए थे, और अब भी मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है जो बात सामने आई है वो खुलकर सच्चाई सामने नहीं आई है, और मैं दो महीने तक मैंने सवाल उठाए, और मुझे लगता है कि जितने लोगों को, और उस समय यह भी था अनुपम जी कि हमारी जो हिंदी चैनल थी बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी, नंबर वन चैनल बन चुकी थी, आज तक कहीं नहीं था, मतलब हम 10-15% आगे थे आज तक से, और मैं हम कहते थे कि तक वाले तो कहीं के नहीं रहे, कंपेरेटिव एटमोस्फियर था। तो टू पुट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑल पीपल हु हैड अ डैगर इनटू मी फॉर 14 ईयर्स और 12 ईयर्स और 13 ईयर्स, जिनको 14 साल से 12 साल से जिन पर मैंने सवाल उठाए थे, जिनको एक्सपोज किया था, और जो मुझसे डरते थे, डरते हैं और बाद में भी डरेंगे, इनको लगा कि ये मौका है सिर्फ अर्नब को नहीं रिपब्लिक को ही आप खत्म कर दीजिए। तो ये पूरी पॉलिटिशियंस, मीडिया, कॉर्पोरेट हाउस, हमारे दूसरे लुटियन के चैनल वाले परमवीर सिंह, सचिन वाजे, उद्धव ठाकरे, एमबीए सरकार, सब ने मिल करके प्लान की थी, और उन्होंने सोचा था कि इसको अरेस्ट कीजिए, कुछ करिए, चार्जेस लगा दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, टीआरपी चोर कहा, सब कुछ कहा, और मुझ पर अटैक किया, और उसके बाद मेरी अरेस्ट हुई नवंबर में, नवंबर के 5 तारीख को। बट मैं जो आपको कह रहा हूँ कि उससे 11 महीने पहले तक कई शुभचिंतकों ने मुझे फ़ोन करके कहा था, और मीडिया के लोगों ने कहा था, जो लोग अपने आप को स्वतंत्र पत्रकारिता के केंद्र बिंदु मानते हैं और खुलकर कहते हैं वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया, दे यूज़ टू कॉल मी एंड से आप ज़्यादा पंगा ले रहे हो, आप मत लीजिए, दे यूज़ टू एडवाइस मी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है अनुपम जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर मैं अपने रिकॉर्डिंग्स किसी दिन पब्लिक कर दूं, जिन जिन लोगों ने मुझे फोन करके बोला है कि आप स्टेट गवर्नमेंट पे सवाल मत उठाइए, तब तो बहुत हाहाकार हो जाएगा इस देश में, मगर मैंने जो मुझे करना था मैंने किया, और उसके बाद मेरी अरेस्ट हुई, मैं जेल में रहा और मैं वापस आया। आई वांट टू नो जेल में क्या हुआ। जेल में, एक जेल में रखा गया था, पुलिस कस्टडी नहीं मिली थी, जब 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 मुझे ले जा रहे थे अलीबाग में, अनुपम जी एक वैन से दूसरे वैन तक बिठाया, और मेरे घर में 200 आर्म्ड पुलिसमैन आए थे, ऑपरेशन अर्नब बना था, AK-47 कैरिंग 15-20 लोग थे, मेरे फ्लैट के अंदर थे, मुझे चप्पल नहीं पहनने दिया गया, और फिर एक वैन से एक वैन में गया, जब मैं अलीबाग पहुंचा, ग्रीन कॉरिडोर बना दी इन्होंने, जैसे कि किसी दाऊद इब्राहिम को ले जा रहे, पूरी ग्रीन कॉरिडोर बनी थी मुंबई से लेकर अलीबाग तक, लोग देख रहे थे कि किस आतंकवादी को गाड़ी में बिठा के रखा है, पीछे 15 आगे 15 साइड में 4, ऐसे करके 40 गाड़ियों, पुलिस गाड़ियों की कॉन्वॉय में मुझे अलीबाग ले गया गया। मुझे लगता है या तो याकूब मेमन और दाऊद इब्राहिम को कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देते। और मैं पूछना चाहता हूँ, उद्धव सरकार इतने इनसिक्योर क्यों थे मेरे साथ। उद्धव ठाकरे तब तक इनसिक्योर बन गए थे मेरे साथ, और आज भी इनसिक्योर है, अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो जानते हैं, क्योंकि मैं मुंबई में था और मैंने सवाल उठाए थे उनके, मैंने कहा था कि ये शिवसेना नहीं है, सोनिया सेना है, मैं खुलकर बात करने वाला आदमी हूँ, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब मुझे ले जाया गया, मैंने जज को कहा कि मुझे मारा गया है पुलिस की गाड़ी में। आपको गाड़ी में मारा था? हाँ, मुझे पुश किया, मारा था। घर पे भी मारा, और आपके हाथ में उस समय किसी और वजह से चोट, और इधर मेरी चोट लगी हुई थी, मेरे 8 स्टिचेस लगे हुए थे इधर। मैंने कहा था जाते वक्त कि मुझे एक बार बैंडेज लगाना है, क्योंकि मुझे पता था कि जहां जाऊंगा मुझे बैंडेज, उसके 2 दिन पहले मेरी सर्जरी हुई थी, वुंड बहुत रॉ था, कई चीज़ें मैंने कही नहीं है अब तक। मगर जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे पुलिस के अफसर ने बोला आपको कोर्ट ले जाएंगे, आप प्लीज़ जूता पहन लीजिए, चप्पल पहन लीजिए, ऐसे घर से ले आए हो विदाउट चप्पल। और सचिन वाजे ने कहा था तुमको चप्पल से मारेंगे, मुझे कहा इन द लिफ्ट, सचिन वाजे जो अंदर है। मैंने कहा मुझे चप्पल पहनने दो, और मुझे बोला तुमको चप्पल से ही मारेंगे, अभी तुम्हारा यही ट्रीटमेंट होगा, खुलकर कहा जा रहा था, और पूरी देश की मीडिया चुप थी, ये लुटियन मीडिया वाले जो मुझे सवाल उठाते सब लोग चुप थे। मैंने जज को कहा आई वॉन्ट टू टेल यू आई हैव बीन इंजर्ड, आई हैव बीन बीट एंड आई वॉन्ट टू शो यू माई वुंड्स,
आई वॉन्ट टू शो यू माई वुंड्स, और मैंने अपने हाथ में जितने करोश लगे थे पूरा शोल्डर मैंने, मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ पर को पुश किया जा रहा था, बोले नहीं दिया जा रहा था, मेरी वाइफ ने कहा कि यू नो शी सॉ, उनको एंटर नहीं किया, करने दिया जा रहा था, और वो खड़ी रही, मैंने अपना शर्ट खोलने की कोशिश की, जज ने बोला मत दिखाइए, फिर बोला मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ, मेडिकल एग्जामिनेशन हुई, और कुछ नहीं बोलूंगा मगर इतना कह दूंगा बिना नाम लिए कि डॉक्टरों ने पूरा देखा मुझे, एग्जामिन किया और बोला यू हैव रियली गॉट इंजर्ड, मगर रिपोर्ट में कहा दैट इट्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, बोला कि खुद मारा है उसने। अब आप मुझे बताइए कोई अपने पीठ पे अपने आप को मार के काले दाग लगा सकता है, कैन यू बीट योर सेल्फ, बट फेक रिपोर्ट्स वर मेड। मुझे पुलिस कस्टडी में ले जाया गया, मुझे मुझे अलीबाग जेल में मैं रखा गया था, जहाँ पे मुझे अभी भी याद है, पहले तो जब मैं गया वहाँ पे तो जेलर थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमें बहुत शर्मिंदगी है कि आपका ऐसा हालत है, वी फील वेरी बैड, ये सब कहा, और उसके दिन अगले दिन जो वहाँ पे बाथरूम है, वहाँ पे मैं बाथरूम में गया और बाथरूम के अंदर मुझे रखा गया करीब एक घंटे तक, कि बाथरूम बाहर साफ हो रही है आप अंदर नहीं आ सकते, तो जेल के बाथरूम में मुझे लॉक किया गया। मुझे सुबह वहाँ के पुलिस के लोगों ने मुझे मार के लात मार के मुझे उठाने की कोशिश की, और मतलब मैं आपको पूरे डिटेल नहीं कहना चाहता। तलोजा, what was the most humiliating thing that happened to you? Nothing is humiliating, Anupam ji, because I can't be humiliated. What was the most dehumanizing thing that they did to you? Dehumanizing thing that they did to me is that मुझे वो जब मैं तलोजा जेल में मुझे ले गए तो मुझे जो किया मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, कई चीजें की जो उन्होंने नहीं करना चाहिए, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिजन मैनुअल्स, दे कैन से इट इज द लॉ बट इट्स नॉट द लॉ। मगर जब मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया उनके, मुझे फॉर सम रीजन मुझे कहा कि तुम हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में ले जाया गया तो कहा ये क्या है, मैंने बोला ये मेरा वुंड है, मुझे इधर 8 स्टिचेस लगी है, आप इसको प्लीज टच मत कीजिए, तो मुझे बोला तुम खोलो। अब अनुपम जी, माई हैंड, माई वेन्स हैड बीन कट, अनुपम जी, माई वेन्स हैड बीन कट, दैट वाज इन सम एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट एट होम, नाउ आई वाज ब्लीडिंग सो बैडली दैट आई हैड गॉट मेजर सर्जरी डन ऑन दिस हैंड, और मुझे बोला गया कि अपने हाथ से अपने बैंडेज को खोलो। आप समझ सकते हैं जिस डिग्री के इंजुरीज थे, बोला खोलो, और फिर खोल के बोला अभी हम इसको साफ कराएंगे, और उसके ऊपर कोई लिक्विड डाली, कोई जरूरत नहीं थी, एंड आई वॉज इन ग्रेट पेन, तो मैंने हाथ सामने रखा था और उसके ऊपर पूरी तरह से उन्होंने कोई लिक्विड डाली, पूरा जल गया था मेरा हाथ। आपको इसलिए किसी को भी पूछिए, जब मैं जेल से निकला मैं हॉस्पिटल में वापस जाना पड़ा, पूरा जल गया था, आई हैड ब्लड ऑल ओवर माई हैंड, एंड बट आई डिसाइडेड आई विल नॉट से एनीथिंग। मैंने हाथ सामने रखा, करीब 10 मिनट तक वो लिक्विड डाली गई मेरे हाथ के ऊपर, 10 मिनट तक बोला कि ये साफ करना पड़ेगा, तो ये इनके साफ करने का तरीका था, इट वॉज नथिंग बट टॉर्चर। मैंने हाथ सामने रखा, मेरा बैंडेज नीचे गिर गया था मेरी, और उसके साथ मैंने फिर अपने आप को बैंडेज किया जेल के हॉस्पिटल में, और फिर मैं अपने बाकी कैदियों के साथ मुझे अंदर रखा गया। उस समय आई हैड डिसाइडेड कि अभी आई वॉन्ट टू सी हाउ लॉन्ग दे कैन डू दिस एंड हाउ मच आई कैन एंड्योर। सो I have a lot of other things also happened, Anupam ji. अगर मैं आपको कहूँ कि जेल में क्या हुआ, जेल में बहुत कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत कुछ हुआ, but I can tell you one thing, I have come out much stronger after jail. I have come out much stronger, much clearer. और मुझे लगा था कि जितने ये जो मेरे साथ हो रहा है, जो लोग समझ रहे हैं कि इसको जेल में रख दो, इसको बंद कर दो, इस पे और थोड़े से टॉर्चर करो, थर्ड डिग्री करो, और कोई भी टूट जाएगा, तो दे आर बैडली मिस्टेकन। किसी पत्रकार ने, एडिटर्स गिल्ड ने, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई आपके साथ खड़े नहीं हुए, व्हाट डिड दैट मेक यू फील? मैं तो उनको कभी रेस्पेक्ट नहीं करता था, बुरा ना माने, आप जिन लोगों के बारे में कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सारे लोग फ्रॉड हैं, ये मेरे लिए नहीं मगर ये एक ब्लैक स्पॉट है इंडियन जर्नलिज्म में, कि मेरे साथ मुझ पे फेक चार्जेस लगाए गए थे, उनको पता था फेक चार्जेस है, उनको मजे आ रहे थे। एक तो जर्नलिस्ट है वो कह रही है, वो हफीज सईद की फेवरेट जर्नलिस्ट है, वो कह रही है आज जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई थी उसने कहा मुझे आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है।
और एक न्यूज एक चैनल के ओनर है, मेरे नाम को लेने की उनकी हिम्मत नहीं है अनुपम जी, उन्होंने ट्रंप के बारे में कहा था मगर कटाक्ष के साथ मेरे बारे में कहने की कोशिश की थी। जब मैंने कहा था, जब मुझे एक जेल से दूसरे जेल तक ले जाया गया था और मैंने कहा था आई अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, तब उन्होंने कहा था अभी देखिए कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं। तो ही वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट ट्रंप बट हिज रेफरेंस वाज टू मी। तो जितने जर्नलिस्ट थे उस समय उन्होंने लगा था कि अभी या तो अर्णब गोस्वामी खत्म हो गया, रिपब्लिक नेटवर्क खत्म हो गया, और उसके साथ साथ इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी कि बंद करिए इस चैनल में एडवर्टाइज मत कीजिए, ये फ्रॉड है, ये है, वो है, सरकार है, और सारे लोगों ने परमवीर को तो ऐसा हीरो बना दिया। मुझे लगा कि ये कहेंगे कि परमवीर सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, सारे लोगों ने। अब अंदर कौन कौन है जो आपके साथ जुड़े हुए थे, मतलब जो उस केस में थे? सारे अंदर हैं, बस परमवीर बाहर है। परमवीर बाहर, पर बाकी सब जो होम मिनिस्टर थे वो अंदर हैं। परमवीर अभी तो बाहर है। और सचिन वाजे अंदर है? सचिन वाजे अंदर है, अनिल देशमुख अंदर है, नवाब मलिक अंदर है। नवाब मलिक ने कहा था कि मुझे विवश कर देंगे कि मैं आत्महत्या करूं, उन्होंने कहा था। ये सारे अंदर है, मगर जब मुझे अरेस्ट किया गया तो उसके बाद तो उनको सुपर हीरो बनाया गया था इस देश में, और इसी मीडिया ने की थी उनको। इस मीडिया ने कहा था कि उद्धव ठाकरे हैज बिकम अ पावरफुल पॉलिटिशियन बिकॉज ही हैज अरेस्टेड अर्णब गोस्वामी। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में हर दिन लिखा गया था मेरे खिलाफ, हर दिन आर्टिकल लिखे गए थे। तो इंडिया इज वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट इज डिसिल्यूजन्ड विद मीडिया, व्हाट डू यू थिंक अ नॉर्मल पर्सन विल फील? आई एम नॉट डिसिल्यूजन्ड विद मीडिया, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन टू यू, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट मीडिया। ये लोग तो एक्सपोज हो चुके हैं अनुपम जी, ये सारी चीजें जो मेरे साथ हुई हैं, इट इज द बर्थ ऑफ अ न्यू जर्नलिज्म इन दिस कंट्री। अनुपम जी मैं कहूं आपके साथ, आज मैं बैठ के आपके साथ पहली बार कह रहा हूं, अगर मैं नहीं कहूं, अगर मैं इंटरव्यू नहीं दूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या लोग तब नहीं जानेंगे? लोग जानेंगे, तब भी जानेंगे। दे नो द ट्रूथ, द पीपल नो द ट्रूथ, द पीपल हैव सीन थ्रू ऑल दिस, द पीपल आर विथ अस एंड द मीडिया इज चेंजिंग इन दिस कंट्री। सो आई एम नॉट, आई एम वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन मीडिया, और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूं अबाउट द फ्यूचर। द शो इज कॉल्ड मंजिलें और भी हैं, अब क्या मंजिल है आपकी? अब मंजिल मेरी एक है कि हम हर भारतीय भाषा में रिपब्लिक को ले जाना चाहते हैं। ओके। हर भारतीय भाषा हम चाहते हैं कि 2 साल के अंदर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा नेटवर्क हो, सबसे प्रभावशाली नेटवर्क हो, सबसे बड़े रीच वाला नेटवर्क हो। हम चाहते हैं कि भारत से ग्लोबल न्यूज नेटवर्क इस तरह का हो और रिपब्लिक उसको लॉन्च करे जिससे भारत के लोगों की आवाज पूरे देश विदेश में जा सके। आई हैव हैड दिस ड्रीम। मॉस्को में गया था 2015 में, तो एक CNN, अल जजीरा, ये सारे विदेशी चैनल बैठे हुए थे, मुझे पैनल में रखा गया था। तब मैंने कहा था दैट द हेजेमनी ऑफ द वेस्टर्न मीडिया हैज टू एंड, वॉट एवर हैज हैपेंड टू मी इज इंसिडेंटल, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट अनुपम जी। वॉट एवर आई हैव बीन थ्रू, आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट व्हाट आई हैव बीन थ्रू, बट आई हैव ऑल्सो गॉट अ लॉट। मुझे मैंने कुछ खोया नहीं है, मेरी लाइफ एक पब्लिक बुक है, पीपल नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, बट आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस कंट्री। आई रियली वांट टू वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ ग्लोबल प्रेजेंस फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूज। आई थिंक वी कैन पुट अ मिरर टू द वर्ल्ड। जब यूक्रेन में जब ये वॉर हुई थी, तब उस समय हमारे 15 से 20 रिपोर्टर गए थे, और ज़ेलेंस्की का पहला इंटरव्यू पूरे एशिया में रिपब्लिक नेटवर्क को था। तो मुझे लगता है कि द ट्रू स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ इंडिया दैट वी आर रीचिंग सुपर पावर स्टेटस इन 10 years फ्रॉम नाउ, वी शुड प्रिपेयर फॉर इट बाय ऑल्सो बिकमिंग अ मीडिया सुपर पावर। हाउ वंडरफुल, दैट्स माय मंजिले तो यही है हमारी। दैट इज ऑल दैट आई वांट टू अचीव, दैट इज ऑल दैट आई वांट टू वर्क फॉर, एंड आई रियली वांट टू वर्क विद ऑल माय हार्ट टू कीपिंग दिस कंट्री यूनाइटेड। So that's my dream too. That's your dream too. So may our dreams come true. Our dreams will come. Thank you so much. It was a pleasure talking. It is an absolute and pleasure. And a learning experience. It's a pleasure. Oh, wonderful. Thank you. Love you. Thank you.